देखिए, शिक्षा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का विशेष अंग है। किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र में जो विकास की यात्रा जहाँ शुरू होती है वो शिक्षा से होती है। अब शिक्षा को लेकर के जितने प्रश्न हमारे मन में आते हैं, एक बार हमें अनादिकाल तक जाना पड़ेगा शिक्षा के इतिहास जानने के लिए कि शिक्षा का क्या इतिहास रहा है। भारतवर्ष वो देश रहा है जिसने पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान किया है। कभी विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था भारतवर्ष, और विश्व की सबसे पहली जो विश्वविद्यालय अगर कहीं थी तो वो हमारे ही देश में थी, इस भारतवर्ष में थी। नालंदा में हमारी तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो हमारे भारतवर्ष का ही था। अनादिकाल से जैसे जैसे मानव की विकास यात्रा हुई, उस विकास यात्रा में धर्म को लेकर के और शिक्षा शुरू हुई। धर्म क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि धर्म जो है एक सोशल लॉ है जो हमारे स्वयं के जीवन को निर्धारित करता है, हमारे जीवन की पद्धति को निर्धारित करता है। ये हमारा धर्म है, और धर्म में जो धर्म के साथ में शिक्षा है वो शिक्षा ही मनुष्य को रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें। पाप का अगर रास्ता अख्तियार करते हैं तो उसमें दंडात्मक प्रावधान भी है। तो ये एक सब शिक्षा पद्धति के ही एक प्रकरण है। लेकिन जैसे जैसे समय काल बीता, जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी प्राचीन काल में, जहाँ जो है वो राजाओं के पुत्र थे या जो समाज के अच्छे लोग थे जो शिक्षा के प्रति गुरुकुल में जाकर के अपने गुरुओं से शिक्षा लेते थे, तो उनको धार्मिक शिक्षा के आधार पर नैतिक शिक्षा का सर्वप्रथम बल दिया जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो शासनकाल बदले, अनेक शासनकाल आए, मुगल शासनकाल आए उसमें उर्दू का प्रचलन हुआ, और जो अंग्रेजों का शासनकाल आया उसमें अंग्रेजी का प्रचलन हुआ। और जैसे ही अंग्रेजों का शासन आया, क्योंकि वो एक विकसित राष्ट्र से इधर हमारे ऊपर आए, यहाँ उन्होंने अपना जो शासन किया और भारत एक गुलाम देश बना, उसके अंदर जो शिक्षा पद्धति लागू हुई वो जिसको हम प्रचलित भाषा में बहुत अच्छे से कहते हैं, जिसको हम मैकेले शिक्षा पद्धति कहते हैं। लॉर्ड मैकेले ने जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में प्रचलित की, उस शिक्षा पद्धति को आज भी हम आगे चला रहे हैं। इस शिक्षा पद्धति के द्वारा हमें अंग्रेजी का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, उर्दू का ज्ञान, इन सारे ज्ञानों को लेकर के उसका सेग्रीगेशन हुआ। और जैसे जैसे इसमें विकास यात्रा हुई, अनेक शोध हुए, शोधार्थी हुए। आज हम देखते हैं कि पीएचडी डिग्री जो शोधार्थी छात्र को दी जाती है तो वो विशेष अपने क्षेत्र में विशेष महत्व अख्तियार करने के बाद उसको पीएचडी की डिग्री दी जाती है। हमें चाहिए कि हमें वो शिक्षा पद्धति मिले जिससे हमारा विकास जो है वो संपूर्ण विकास हो, न केवल शैक्षिक विकास हो लेकिन संपूर्ण विकास होना चाहिए, जिसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सब प्रकार का जब विकास होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है उसके अंदर हमें ये चाहिए कि हम अपना नैतिक विकास जो करें, एक दूसरे के प्रति जो भावना सद्भाव रखें, मानवतावादी भाव रखें, वो शिक्षा पद्धति हमें चाहिए। आज हम देखें कि किस प्रकार हमारी शिक्षा पद्धति का विकृत रूप हमारे सामने आ रहा है। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं उनको केवल कोर्स कंप्लीट टीचर्स कराते हैं, टीचर्स जो है वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट टीचर्स हैं। आज हमारी शिक्षा पद्धति में हम देखते हैं रिजर्वेशन आ गया, रिजर्वेशन के बेसिस पे टीचर्स का सिलेक्शन होता है, कॉम्पिटेंस के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो जब रिजर्वेशन के बेसिस पे होगा, एक जीरो नंबर लाने वाला या 15 नंबर लाने वाला व्यक्ति जो है अगर मैथ्स का टीचर बनेगा, साइंस का टीचर बनेगा, तो वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, कैसे बच्चे तैयार करेगा? वो छोटे बच्चे शुरू से ही अपने पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और वो बच्चे जो है आगे पढ़ करके केवल डिग्री या केवल कक्षा में पास होना, वो नकल करके पास हों, चाहे जैसे रॉन्ग मीन्स अख्तियार करके, अनफेयर मीन्स अख्तियार करके पास हों, उससे हमारी शिक्षा पद्धति जो है विकृत होती है। तो इसको हम ये चाहते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जिसके अंदर हमारा समस्त प्रकार का विकास था, हमारा नैतिक विकास था, हमारा बौद्धिक विकास था, वो पद्धति इसके साथ लागू होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारी जो साइंस है वो साइंस को हम नहीं पढ़ें, मैं ये नहीं कहता कि जो वर्तमान जो एरोनॉटिक्स है या वर्तमान जो
इलेक्ट्रिसिटी है या वर्तमान जितनी भी फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है या नैनो टेक्नोलॉजी है, उसको हम नहीं पढ़ें, जरूर उसको पढ़ें, लेकिन हमारी नैतिकता के साथ उसको पढ़ेंगे, हमारा नैतिक बल बढ़ेगा, हमारा छात्र जो है वो संपूर्ण व्यक्तित्व निखर करके आएगा और एक सुदृढ़ राष्ट्र का जो है वो निर्माण होगा। हम देखते हैं कि आज जब उच्च शिक्षा में आते हैं, यानी स्कूल शिक्षा का नैतिक स्तर बहुत निम्न स्तर पर आ गया, बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ना जाना ही पसंद नहीं करते, जहाँ सरकारी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि सब टीचर्स इनकॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जहाँ हम आ गई वहाँ हम अपने काम के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहे। हम देखते हैं आज हमारा जो टीचर है वो केवल अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए, उसके लिए वो एजिटेट करता है, वो अपने अधिकारों की बात करता है, अपने कर्तव्यों की बात नहीं करता, वो केवल जो है अपना ट्रांसफर, अपने नज़दीक में एन केन प्रकेण जातिवादी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रूप से हावी हो गई, जो हमारी शिक्षा पद्धति को प्रभावित करती है, खूब प्रभावित करती है। यदि उच्च शिक्षा में हम आते हैं, उच्च शिक्षा में जो कॉलेज एजुकेशन है वहाँ भी वही स्थिति है, टीचर्स का जो सिलेक्शन होता है वो कास्ट बेसिस पे हो रहा है, वो रिजर्वेशन बेसिस पे हो रहा है, और उस पर हम देखते हैं कि जब इनकॉम्पिटेंट प्रोफेसर आएगा तो वो कॉम्पिटेंस कैसे देगा, कैसे वो बच्चे तैयार करेगा जिनको कि हम रिसर्च स्कॉलर्स हम कहें या उनको हायर स्टैंडर्ड के एजुकेशन स्टैंडर्ड के बच्चे कहें। इसमें निरंतर गिरावट आ रही है, स्कूल्स में छोड़ करके जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटी में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है यानी यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे सामने उसका सीधा साधा चित्रण है, सिवाय गुंडागिर्दी के वहाँ कुछ नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि ग्रुप्स बन जाते हैं, कास्टिज्म ग्रुप्स बन जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, दुनिया भर की पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है, दुनिया भर का एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व होता है, और हमारी जो मानसिकता है वो इस प्रकार की हो गई कि वहाँ हम सिर्फ जो है वो नैतिकता वहां पर नहीं आ रही, केवल नेता प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, और इन नेताओं ने जिस प्रकार नैतिकता का हास किया है, जिस प्रकार से जातिवादी व्यवस्था को प्रमोट किया है, जिस तरह से गुंडाइज्म को प्रमोट किया है, जिस तरह से धनबल और बाहुबल को प्रमोट किया है, उससे हमारा जो देश का विकास है वो कहीं ना कहीं आकर के रुक गया। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में हम देखें तो हमारा जो देश का योग्य व्यक्ति है वो यहाँ से पलायन करना बेटर समझता है बजाय देश में रहने के, जिसके पास थोड़ा भी धन हो जाता है वो बाहर भाग जाता है, बाहर जाकर के अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, बाहर जाकर के अपना नाम करता है, बाहर जाकर के उच्चस्त सेवा देता है। आज हम अमेरिका में भी देखें या और किसी यूरोपियन कंट्री में हम देखें, वहाँ हमारे इतने भारत के डॉक्टर हैं, इतने भारत के इंजीनियर्स हैं, इतने भारत के टेक्नोक्रेट्स हैं, इतने भारत के योग्य टीचर्स हैं, वो इस देश में रहना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ की हमारी व्यवस्था इस प्रकार की हो गई, और इस व्यवस्था में आरक्षण का एक बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। अगर आपको किसी को मदद करनी है तो उसको जातिवादी आधार पर आप मदद नहीं कर सकते, सरकार का उत्तरदायित्व तो है कि हरेक को शिक्षा दे, हरेक को आर्थिक व्यवस्था दे, हरेक को अच्छी जीवन शैली दे, लेकिन किसी जातिगत आधार पर नहीं कर सकते आप उस चीज़ को, आपको उसका आर्थिक आधार इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको उसकी अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था कभी भी जो है वो इस प्रकार नहीं हो सकती जिस प्रकार रिजर्वेशन आज हमारा एक वोट टूल बन गया। इस वोट टूल को हमारी पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को इसने प्रभावित किया है, हमारी गवर्नेंस सिलेक्शन में इसको प्रभावित किया है, इस चीज के बड़े भारी कुप्रभाव आ रहे हैं। इन कुप्रभावों को हमने पिछले 70 साल के डेमोक्रेटिक सिस्टम में देख लिया कि एक तरह से हम कोलैप्स हो गए। हम कोलैप्स क्यों हो रहे हैं, आज का अखबार आप उठा के देखिए हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आज का आप अखबार उठा के देखिए उसमें आप हमारी नैतिक कंडीशन क्या है, आज का अखबार आप उठा के देखिए हमारी वैज्ञानिक कंडीशन क्या है, हम वर्ल्ड में कहाँ स्पोर्ट्स में स्टैंडर्ड्स में हम स्टैंड कर रहे हैं, कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमको बहुत सोचना चाहिए, हमारी सरकारों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, और ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसका भी एक बार जो है इसके ऊपर विचार करना चाहिए, देश के बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए, इन नेताओं को भी ये बात सोचनी चाहिए कि 70 साल हो गए आप कब तक जातिवादी इसको बेच करके आप नेता बनते रहोगे इस देश के, कब तक लोगों को जमीनी स्तर पर लड़ाते रहोगे, लोगों को जातिवादी आधार पर लड़ाते रहोगे लोगों को, इससे हमारा जो है विकास नहीं हो सकता। आज हमारे पिछड़ापन होने की होड़ हो रही है, हर आदमी ये कह रहा है कि साहब हमें पिछड़ा घोषित कर दो, हर आदमी ये कह रहा है कि हमें पिछड़ा घोषित कर दो, हमें जो है बैकवर्ड, अति बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, न जाने दुनिया भर की बैकवर्ड क्लासेस क्रिएट हो रही है, जैसे कि हम यहाँ कोई बैकवर्ड स्कूल चला रहे हों। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि जिस देश को आगे जाना चाहिए, जिस देश को विश्वगुरु बनना चाहिए, वो विश्वगुरु
इस आधार पर नहीं बनेगा, योग्यता के आधार पर बनेगा। और योग्यता जब आएगी, जब उसमें परिपक्व सिस्टम ऑफ एजुकेशन होगा। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसको एक बार पुनः जितने भी हमारे एकेडमिशियंस हैं, जो देश में अच्छे एकेडमिशियंस रहे हैं, जो डॉक्टर राधाकृष्णन रहे, जिस प्रकार से मौलाना आजाद रहे, जिस प्रकार से अब्दुल कलाम रहे, ऐसे लोग जो जिन्होंने इस देश को आगे लाए, सैम पित्रोदा रहे हैं, ऐसे जो बहुत से लोग हैं, हजारों की तादाद में वो लोग हैं, उन लोगों को आगे ला करके उनके बौद्धिक योग्यता का हमें जो है वो उसका उपयोग करना चाहिए। न कि केवल वोट तंत्र के लिए सरकारों का आज केवल एक काम रह गया कि किस प्रकार वोट हासिल हो सकता है, किसका गला काट करके हम कैसे वोट हासिल कर सकते हैं। आज हमारा एक दूसरे से विश्वास उठ गया, एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता समाप्त हो गई। इस देश की जिसको हम कहना चाहिए पेट्रियोटिज्म जिसको हम कहते हैं, या राष्ट्रभक्ति जिसको हम कहते हैं, वो राष्ट्रभक्ति समाप्त हो गई। कोई राष्ट्र को जानता नहीं, केवल स्वार्थ को जानता। इन चीजों से हमारी जो विकृत संस्कृति उत्पन्न हो रही है, इससे देश को नुकसान हो रहा है। और मैं इस देश के नेताओं से, इस देश के कर्णधारों से अपील करूंगा कि अपने स्वार्थ को त्याग करके इस देश हित में सोचो, इस राष्ट्र हित में सोचो, उस गरीब के लिए सोचो, उसको आगे लाने के लिए सोचो, लेकिन एक अच्छी स्वस्थ शिक्षा पद्धति को लागू करके, तभी यह संभव होगा। रिजर्वेशन के आधार पर संभव नहीं होगा।